करनाल के गांव मदनपुर में करियाने की दुकान चलाने वाले दुकानदार की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से आसपास दहशत का माहौल है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कृष्ण नामक व्यक्ति पर 5 से 6 लोगों ने उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वह अपनी दुकान में बैठा हुआ था। इस हमले से कृष्ण की मौत हो गई। मृतक कृष्ण के परिजनों ने बताया कि रात के समय 5 से 6 व्यक्ति दुकान पर आए और कृष्ण कुमार के साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने कहा कि वह लोग नशे में थे। इस मामले में कृष्ण गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इधर पुलिस जांच अधिकारी SHO संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कृष्ण कुमार नामक व्यक्ति पर कुछ शरारती लोगों द्वारा हमला किया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और साक्ष्यों की तलाश में जुट गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस सारे मामले का संज्ञान लेकर एवं मौके का मुआयना कर आगे की कार्यवाही कर रही है। जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि मृतक की मौत पर परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले भी कृष्ण कुमार के साथ इन शरारती तत्वों द्वारा हमला करने की वारदात को अंजाम दिया गया था, परंतु इस बार हमले में उन्होंने कृष्ण कुमार को जान से मार दिया। इस घटना से परिजन दहशत के माहौल में हैं और पुलिस से दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े का मामला है। ये जो लड़के हैं, 6-7 लड़के हैं और ये गांव के लड़के हैं। अच्छा, ये नशेबाज, ये तस्करीबाज और नंबर 2 के लड़के हैं। ये गांव में ये दुकान पे झगड़ा हुआ दिखा, दुकान पे मारपीट हुई और पहले भी 2 महीने पहले भी झगड़ा हुआ। मान ले साल में 3-4 दफा ये झगड़ा कर चुके हैं दुकान पे। और जो लड़का था ये लगभग 30 साल के पास लड़का था, 37 साल लड़का था। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के का लड़का है। कहाँ का मामला है ये? मदनपुर गांव का। तो गांव में ही, गांव के ही लोग हैं वो? हाँ, गांव के लोग हैं, पड़ोसी है। तो क्या मारपीट हुई है? ये मारपीट हुई है वहीं गांव में। कल रात क्या कुछ हुआ? ये कल रात ही तो हुआ ना, कल रात ये मेरे हिसाब से 8:30-9 बजे के करीब हुआ। ये किस चीज के साथ मारपीट? देखो भाई साहब, ये हम नहीं कह सकते इस चीज के बारे में। देखो ये तो मतलब हम मौके पर नहीं थे, लेकिन हमने इतना पता मान लें पहले भी 3-4 दफा भी वारदात कर चुके हैं। तो मौके पर मौत हुई है? ये देखो जी, हमने नहीं पता मौके पर। ये हमने तो फोन पास, हमारे पास फोन आया, हम तो यहीं आ गए हॉस्पिटल में आए। हमने तो पता लगा भाई पूरा हो चुका है। कौन से हॉस्पिटल में आए थे ये? हम तो ये कल्पना चावला ही है, इसमें आए थे हम तो। इसमें पता लगा पूरा हो चुका है ये। तो यहाँ कौन लेके आया उनको? यहाँ तो मान ले वो लड़का था, एक वो लड़का घर गया अभी। अच्छा, जो लड़का था ना वो लड़का घर गया। अच्छा, वो कुछ वहाँ मान ले पुलिस गई होगी वगैरह वगैरह, वहाँ कुछ गई होगी वहाँ से इंक्वायरी करण, वो लड़का ही भेजेगा। बाकी उसके बाद पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या नाम है मरने वाले का? इसका नाम है कृष्ण। किस चीज की दुकान थी ये? परचून की, छोटी दुकान है परचून की। मारने वाले कौन है, कैसे? देखो जी, मारने वाले गांव के ही है लड़के। अच्छा, वे लड़के शरारती लड़के, हमें मान ले नशेबाज लड़के, तस्करी करे, हमें नशा बेचे हैं, मान ले 2 नंबर का काम करे। अगर मान ले सही आदमी होगा वो तो लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, वो यू काम करने का ही नहीं। तो कितने बजे हमला किया इसके ऊपर? ये लगभग 9 बजे के करीब रात को। हाँ हाँ, 8:30-9 के करीब। दुकान पे करया काम, ये मारपीट करके फरार हो गए। मारपीट करके फरार हो गए। तो इसकी मौत कहाँ पर हुई? देखो जी, मौत तो हम तो यही बताओगे, मान लो यहाँ हुई या गांव में हुई या उरा हुई, वो तो बाकी घर वाले बताएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो उनके साथ ये चावाबाई में गिरफ्तार हो, सख्त कार्रवाई हो। आप कह रहे पहले भी इन्होंने झगड़ा किया था? पहले भी किया जी, झगड़ा ना 2 महीने पहले भी किया ना। रंजिश चल रही थी? रंजिश है ये, तो रंजिश सब पुरानी रंजिश बता रहे हैं इनको। तो मामला दर्ज करवा दिया आपने? मामला दर्ज मेरे साथ तो हो चुका है ना। हाँ, हो चुका है। क्या नाम आपका? उदय सिंह। क्या लगते हैं आप उनके? मैं उनका मुस्सा लगता हूँ। एक्सपायर हो गया, तो अभी हमारी FSL टीम आई है, डॉक्टर साहब आए हैं और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो परिजन कह रहे कि दुकान पे 5-6 लड़के आए थे और उसको मार कर चले गए। हाँ, अभी वो वेरीफाई करने की बात है जी, अभी वेरीफाई करेंगे। अभी तो जो प्रथम दृष्टि दिख रहा है अभी तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी तो कोई है नहीं। अच्छा। लेकिन पोस्टमार्टम करेंगे अभी, उसके बाद ही पता लग पाएगा। CCTV वो बात की बात अभी देखेंगे जी। उसमें क्या लगता है कि मारपीट हुई है? अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जी, अभी इन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम करा के
कब का मामला है ये? रात का मामला है। कोई वो बता रहे शराब शुरू नशेड़ी आदमी है जिनके साथ झगड़ा करने का थी था, वो हम सारे इसके ले लेंगे मेडिकल में जो इसके सकता है। तो ये इकट्ठे नशा नुशा करते थे वहाँ पर काम ऐसा है जो बिल्कुल हम मौके पे जाके देख चुके हैं, वो सार्वजनिक जगह है वहाँ काफी लोग थे, वो हो जाएगा वेरीफाई। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।